हेलो फ्रेंड्स, आई एम निष्ठा पटेल एंड यू आर वाचिंग निशार्ट आर्ट। आज हम मिरर ज्वेलरी के लिए कैसे मिरर वर्क करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले मैंने राउंड मिरर का ज्वेलरी बनाया, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो शुरू करते हैं हम मिरर ज्वेलरी बनाने के लिए। हमें ये मीडियम साइज़ के, ये 1 इंच के स्क्वायर्स हैं मिरर। अब हम ब्लैक कलर का फैब्रिक ले लेंगे। आप चाहे तो जो कलर आपको चाहिए पूरे नेक पीस में वो कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। अब हम इसको रिंग में अच्छे से फील कर लेंगे। अब हम फैब्रिक ग्लू की मदद से मिरर को चिपका देंगे। थोड़ा गैप रख के हम मिरर को चिपकाएंगे, क्योंकि फिर बाद में हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करना हो तो अच्छे से हमें स्पेस मिले। मिरर अच्छे से सूख गया है। अब हम नीडल की मदद से मिरर को अच्छे से बांधना शुरू करेंगे। सबसे पहले मिरर के चारों कोनों पे हम क्रॉस लगा देंगे थ्रेड की मदद से, और फिर मिरर के मिडल में एक प्लस बना देंगे थ्रेड की मदद से। और आप ध्यान रखें कि सारे जो हमने थ्रेड से ज़िगज़ैग किए हैं वो एकदम टाइट हो, थ्रेड एकदम टाइट होना चाहिए, वरना फिर वो और ट्रायंगल उसके कोनों पे नहीं बनेगा। अब हम थ्रेड को बीच में से लेके जाएंगे, एक थ्रेड लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे और फिर से दूसरे थ्रेड के बीच में से जाने देंगे। ऐसे ही पूरा राउंड कवर करेंगे, जिससे हमें बीच में एक राउंड बॉल जैसा कुछ मिल जाए। और आप चाहे तो इसी टाइम पे इस पर कुछ पर्ल्स या कुछ और भी लगा सकते हैं, बीच में एक राउंड सर्कल जैसा बन जाएगा। अब हम मिरर के एक कोने से शुरू करेंगे, थ्रेड को निकालेंगे जो हमने ज़िगज़ैग किया है उसके अंदर से, और फिर एक लूप बना के दूसरी साइड के कोने पे हम उसको अंदर से डालेंगे। आप वीडियो में देख सकते किस तरह से ये जाता है और लूप बनता है। एक साइड से बनाएंगे और दूसरी साइड इसको ख़त्म करेंगे। और आप ध्यान रखें कि सभी थ्रेड एकदम टाइट हो।
मुझे नेकलेस के लिए 9 मिरर चाहिए, इसलिए मैंने गैप इस तरह से रख के सभी को वर्क कर लिया है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट दूंगी जिसमें ये पूरा नेकलेस कैसे बनता है वो दिखाया जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।